सो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन केव ओनली वर्ल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड केव के अंदर बसा हुआ है एंड इसमें हर टाइम मॉब स्पॉन होते रहते हैं। यहाँ पे ना ही तो आपको एक पेड़ मिलेंगे, ना ही आपको एक भी फ्रेंडली मॉब मिलेंगे। बस मिलना है तो आपको यहाँ पे क्रीपर, ज़ॉम्बीज एंड ऐसे ही हॉस्टाइल मॉब मिलेंगे जो कि आपको हर टाइम परेशान करते रहेंगे। सो चलिए अपने इस अद्भुत से जर्नी को करते हैं शुरू और देखते हैं कि कैसे हमने सर्वाइव किया 100 डेज इन केव ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली हमने एक चैलेंज लिया है जिसमें हमें बीट करना है गेमर फ्लिट भैया को इन सब्सक्राइबर्स। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट तो होने वाला है, बट जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है उनको बीट करने के सब्सक्राइबर्स में। तो प्लीज़ यार अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलियन हिट करवा दो। आप चलिए वीडियो जल्द करते शुरू। सो डे वन में हम लोग ऑब्वियसली स्पॉन हुए थे एक केव के अंदर एंड इस केव के अंदर कुछ हो ना हो भाई, लेकिन यहाँ पे और बहुत ज़्यादा है। मतलब जहाँ भी देखो यहाँ पे बहुत सारे आयरन और कोल थे, बट यहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं था। मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से हम लोग अपने टूल्स बनाए, कहाँ से हम लोग वुड कलेक्ट किए। बट हम लोग यहाँ पे चले गए थोड़ा एक्सप्लोरेशन करने में और सोचे कि शायद हमें वुड मिल सकता है, बट ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि यहाँ पे हर जगह से मॉब्स ही मॉब्स थे। सो यहाँ पे पानी का रास्ता बहुत ज़्यादा सेफ था, तो हम लोग पानी के रास्ते में चले गए एक माइंड शाफ्ट के लिए एंड लकीली हम लोग को बहुत देर ढूंढने के बाद एक माइंड शॉट मिल भी गया। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि केव के अंदर ही हमें माइंड शॉट मिलते हैं और ये पूरा वर्ल्ड केव के अंदर ही है, तो माइंड शॉट हमें बहुत ज्यादा इजीली मिल गया। सो हमने यहाँ पे माइनशाफ्ट से बहुत सारी वुड कलेक्ट की एंड यहाँ पे फाइनली एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया एंड एक वुडन पिकैक्स भी बना लिया। अब वुडन पिकैक्स बनाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन थे, तो पहले तो हमने बहुत सारे यहाँ पे कॉबलस्टोन माइनिंग किए एंड इनफ कॉबलस्टोन माइन करने के बाद अपने लिए यहाँ पे टूल्स और आर्मर्स बना लिए। मतलब यार आर्मर नहीं बनाया, आप कॉबलस्टोन से आर्मर थोड़ी बना सकते हैं, बट यहाँ पे आयरन से हम लोग जरूर आर्मर बनाने वाले हैं जो कि हम लोग चले गए उसके बाद माइन करने के लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारे आयरन माइनिंग किए एंड आयरन माइनिंग करते करते हमें यहाँ पे एक चेस्ट भी मिल गया जिसमें बहुत ज़्यादा ओपी लूट थी क्योंकि यहाँ पे सीड था और इस वर्ल्ड में सीड मिलना भाई मतलब इम्पॉसिबल है। तो जल्दी से हमने सीड को कलेक्ट किया एंड फिर से हम लोग कोल माइनिंग पे चले गए। सो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हमने एक मॉड लगाया जिसका वजह से आपको अंधेरे में भी दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा नहीं, यहाँ पे हर एक जगह पे अंधेरा है। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दिया था एंड स्मेल्ट होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे आयरन से आर्मर बना ली। सो उसके बाद मैंने भाई को भी उसका आर्मर दे दिया एंड भाई मैंने भी जल्दी से जल्दी आर्मर पहन लिया क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी गलती है और आप यहाँ पे मर सकते हो, और छोटी क्या भाई यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना क्राफ्टिंग टेबल एंड फर्नेंस लिया एंड चले गए और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। एंड लकीली यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि हम लोग को यहाँ पे डायमंड मिल गया, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 6 डायमंड मिल गए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो उसके बाद बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर एंड ऊपर आने पर हम लोग को और एक बात पता चली कि जो जगह पर लाइट है वहाँ पर हम लोग के फ्रेंडली मॉब्स भी स्पॉन हो सकते हैं जैसे कि पिग एंड शिप, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत मॉब्स को मारा एंड देन अपने लिए फाइनली यहाँ पे डायमंड का पिकैक्स बना लिया। सो भाई यहाँ पे एरिया देख रहा था कि हम लोग कहाँ पे घर बना सकते हैं, उसको ये वाला एरिया बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया, तो फ्यूचर में हम लोग यहीं पे घर बनाने वाले हैं। सो इसके बाद हमें इन्फिनाइट वुड चाहिए था और इन्फिनाइट वुड तो यहाँ पे कभी भी नहीं मिलने वाला, तो हम लोगों ने अपना थोड़ा ब्रेन लगाया एंड ब्रेन लगाने के बाद हम लोग को पता चला कि भाई हम लोग नेदर में भी तो वुड कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया अपने लिए। तो जल्दी जल्दी हम लोग गए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट किए एंड फाइनली 16 ऑब्सीडियन होने के बाद अपने लिए यहाँ पे हम लोग अपना नेदर पोर्टल बना लिए। मतलब यार जब तक यहाँ पे अपने पास वैंडरिंग ट्रेडर नहीं आता कोई भी यहाँ पे सैपलिंग लेके, तब तक हम लोग नेदर का वुड ही यूज़ करने वाले हैं, और नेदर का वुड सच कहो तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट करने के बाद हम लोग सीधा चले गए अपने नेदर में। सो हम लोग यहाँ पे प्रे कर रहे थे कि अपने को कोई ट्री वाला बायोम में स्पॉन कर दे जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हो, बट अपनी किस्मत यहाँ पे बहुत ही फालतू थी और अपने को कौन सा मतलब सबसे घटिया बायोम में स्पॉन कर दिया। बट हम लोग यहाँ पे हार नहीं माने और हम लोग चले गए यहाँ पे ट्री बायोम को ढूंढने के लिए। अब मैं यहाँ पे इसको ट्री बायोम क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इस बायोम को क्या कहते हैं। अगर यार आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बता देना और मुझे गाली मत देना क्योंकि मैं बहुत बड़ा नूबड़ा हूँ। सो यहाँ पे अपनी बेइज्जती करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वुड काट लिए क्योंकि भाई वुड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग को जितना से जितना हो सके उतना वुड चाहिए था। सो यहाँ पे बहुत सारे वुड काटने के बाद हम लोग को अब टाइम था घर जाने का क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेंजरस मॉब्स थे जो कि हम लोग को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो भाई नेदर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागना अच्छा होता है। सो फाइनली हम लोग आ गए थे अपने घर वापस और हमने सोचा कि यहाँ पे बाहर रहने से अच्छा हम लोग अपने लिए एक घर बना लें क्योंकि यार हम लोग इतना जल्दी घर बनाते नहीं है, बट ये वाला वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए।
सो घर बनाने के लिए हम लोग को बेसिक मटेरियल चाहिए थे, जैसे कि कॉबल स्टोन, नेदर का वुड और बाकी सब छोटे मोटे सामान जो कि हम लोग को ईजिली मिल सके, क्योंकि अपने पास इस वर्ल्ड में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड धीरे धीरे करके हम लोगों ने सारे रिसोर्सेज यहाँ पे कलेक्ट कर लिए और फाइनली टाइम आ चुका था अपना यहाँ पे घर बनाने का। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया और ये घर हम लोग का एक केव स्टाइल घर होने वाला है, क्योंकि हम लोग केव के अंदर रहना चाहते हैं। इसका दो मेजर रीजन है, पहला रीज़न है कि अपने पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है और दूसरा रीज़न है कि अपने पास केव वाला वर्ल्ड है, तो केव वाला घर भी होना चाहिए। सो अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी। अभी यहाँ पे घर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने हैं, बट अभी अपने पास रिसोर्सेज की कमी है तो हम लोग बाद में कर लेंगे। सो यहाँ पे दो रूम मैंने बनाए थे और दो रूम भाई ने बनाए थे। ये वाला मेरा बेडरूम होने वाला है और आप कमेंट डाउन करके बताना हम दोनों में से किसका रूम ज़्यादा अच्छा है। सो मेरे रूम के नीचे भी एक सीक्रेट रूम था जहाँ पे हम लोग अपने फर्नेंस रख सकते हैं और बहुत सारी स्मेल्टिंग कर सकते हैं, तो ये वाला थोड़ा मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा तो मैंने बना दिया। अब चलिए भाई के रूम में चलते हैं और ये है मेरा भाई का रूम। इसका रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा है बट डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। सो घर बनाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए और हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम लोग विलेजर को यहाँ पे क्योर कर ले। बट यहाँ पे क्योर करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है, जो कि है ब्लेस पाउडर एंड यहाँ पे नेदर वॉट्स, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा फोर्ट्रेस में। तो हम लोग निकल गए फोर्ट्रेस की तलाश में। सो लकीली इस बार हम लोग को फोर्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल गया था, मतलब हर टाइम हम लोग को बहुत दूर ढूंढना पड़ता है, बस इस बार बहुत सामने था तो ये तो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो गया। तो हम लोग जल्दी जल्दी फोर्ट्रेस में चले गए लूट मचाने के लिए एंड सामने था अपना एक ब्लेज स्पॉनर और भाई यही हम लोग को चाहिए था लिटरली। तो हम लोग जल्दी जल्दी जितने हो सके उतने ब्लेजेस मारना स्टार्ट कर दिए। सो ब्लेजेस के साथ हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत विदर भी मारे और थोड़े बहुत लेवल्स भी कलेक्ट किए, बट विदर मारने से हम लोग को एक भी विदर स्केलेटन स्कल नहीं मिला। मतलब यार सच में अपना किस्मत उतना अच्छा है नहीं, बट यार फ्यूचर में कभी ना कभी तो हम लोग विदर स्केलेटन स्कल कलेक्ट कर ही लेंगे, इस वाले पार्ट में नहीं तो अगले वाले पार्ट में। उससे मुझे याद आया कि अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो में 3000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। सो हम लोगों ने यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस पूरा लूट लिया था और नेदर फोर्ट्रेस से सबसे बढ़िया बढ़िया सामान हम लोग को मिले थे, कुछ डायमंड्स एंड बहुत सारे ब्लेज रॉड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो यहाँ पे हम दोनों घूम ही रहे थे और हम लोग को स्पॉट हो गया एक चिकन और भाई हम लोग को यहाँ पे एक फार्म भी चाहिए था क्योंकि फूड का बहुत ज़्यादा कमी हो रहा है। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत सीड लिए, भाई ने थोड़े बहुत यहाँ पे फेंसेस लिए एंड देन जल्दी जल्दी हम लोगों ने इसके लिए एक फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। सो भाई ये बनने के बाद अपना खाने का टेंशन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग को बार बार खाने के लिए बहुत दूर दूर तक ढूंढना पड़ रहा था, बट अपने पास अभी फार्म है। सो उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि ये नेदर पोर्टल जो है वो बहुत ही ख़राब जगह पे है, मतलब ये जगह बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रहा है अपने एरिया को। तो हम लोगों ने अपने घर के साइड में एक होल डिग किया एंड उसके अंदर नेदर पोर्टल को प्लेस कर दिया और ये सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया था। मतलब यार आप ही कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना ये वाला कैसा आइडिया लगा, भाई मुझे और मेरे भाई को तो बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा ये नेदर फोर्ट्रेस। मतलब यार नेदर पोर्टल गलती तो होती रहती है भाई। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना था एक एक्सपी फार्म, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीज ले सके एंड मेन हम लोग का यहाँ पे मिशन था दो जॉम्बी विलेजर्स को लाना। सो फाइनली सारे यहाँ पे मटेरियल कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने एक्सपी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए और आप देख सकते हैं इतने सारे मटेरियल्स हम लोग को कलेक्ट करने पड़े। सुबह यहाँ पे विलेजर लाने का मेन हम लोग का जो मकसद था वो था डायमंड का आर्मर, क्योंकि हम लोग माइन भी डायमंड कर सकते हैं बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है एंड भाई ऑब्वियसली क्लरिक के साथ हम लोग आराम से एंडर पल भी ट्रेड कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे अपना एक्सपी फार्म हो चुका था कंप्लीट और एक्सपी फार्म के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे टॉर्चेस भी लगा दिए, जैसे कि मॉब्स ना आए, भाई मॉब से हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सो हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक वेट किया एंड बहुत देर तक वेट करने के बाद हम लोग का मॉब्स आना स्टार्ट हो गया एंड सही बता रहा हूँ ये वाला एक्सपी फार्म बहुत ही ज़्यादा ओपी काम कर रहा है, थोड़ा यहाँ पे स्लो काम कर रहा है क्योंकि हर एक जगह मॉब्स स्पॉन हो ही रहे भाई। सो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक ग्राइंडिंग की, एक्चुअली बताओ तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी देर तक ग्राइंडिंग की जितनी देर तक हम लोग को विलेजर नहीं मिल जाते हैं एंड इवेंचुअली हम लोग को यहाँ पे विलेजर मिल गया, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और चले गए यहाँ पे वीकनेस का पोशन बनाने के लिए। सो अपने पास यहाँ पे वीकनेस पोशन बनाने के लिए सब कुछ था, यहाँ पे फर्मेंटेड स्पाइडर आए थे, यहाँ पे बहुत सारे बाकी जो चीज़ लगती है वो भी थे और यहाँ पे अपने पास गोल्डन एप्पल भी थे और गोल्डन एप्पल हम लोग को एक रुइन नेदर पोर्टल से मिले थे और वो वाला पार्ट हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए, तो भाई माफ़ कर देना इस बार। तो बस अपना यहाँ पे पोशन बन के हो चुका था रेडी एंड पोशन कलेक्ट करके हम लोग जल्दी जल्दी चले गए अपने विलेजर्स को क्योर करने के लिए। और भाई सही बताओ तो हम लोग को ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि विलेजर्स जो है वो बहुत सस्ते दामों में हम लोग को यहाँ पे एमराल्ड्स एंड बाकी सारे सामान देते हैं।
सो इनको पोषण देने के बाद दो दो करके गोल्डन एप्पल हम लोगों ने खिला दिए एंड बस अब टाइम था हम लोग का वेट करने का। एंड बहुत देर तक हम लोगों ने वेट किया एंड फाइनली अपने विलेजर्स यहाँ पे क्योर हो चुके थे एंड हम लोग को एडवांसमेंट मिल चुका था जॉम्बी डॉक्टर का। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो गई। और आप देख सकते हो दोनों विलेजर यहाँ पे नल्ले, दोनों में ही किसी के पास भी जॉब नहीं है, बट इनको हम लोग बाद में दे देंगे। सो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी चले गए अपने घर में बहुत सारे टूल्स बनाने के लिए एंड बहुत सारे वर्किंग टेबल बनाने के लिए। एंड एक को हम लोगों ने फ्लेचर बनाया और आप देख सकते हैं ये बस 32 से 30 दे रहा है, मतलब भाई बस दो स्टिक का ये हम लोग को छूट दे रहा है, जो कि एकदम बेकार बात है। मतलब यार इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने भी इसको ऑफ कैमरा हिट कर दिया था, बट नहीं क्या करो यार ये जा ही नहीं रहा था घर के अंदर। ये विलेजर्स बहुत ज़्यादा अनॉय करते हैं। सो ये वाला विलेजर तो बेकार निकला। नेक्स्ट विलेजर को हम लोग यहाँ पे आर्मर बनाना चाहते थे क्योंकि अपने को चाहिए था डायमंड आर्मर, तो एक ब्लास्ट फर्नेस हम लोगों ने बना दिया है। जल्दी जल्दी हम लोगों ने उसको आर्मर बना दिया एंड भाई आप देख सकते हो ये वाला विलेजर कितना ज़्यादा अच्छा है। एक एक एमराल्ड का बदले हम लोग को यहाँ पे आर्मर दे रहा है एंड अगर डायमंड आर्मर की बात करूँ तो आप खुद देख लेना कितने सस्ते में दे रहा है। सो आप देख सकते हो डायमंड आर्मर मतलब हम लोग को एक दो एमराल्ड के बदले ये हम लोग को पूरा का पूरा डायमंड आर्मर दे रहा है। तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा विलेजर है। तो इसके साथ हम लोगों ने बहुत देर तक ट्रेडिंग की, फाइनली सारे ट्रेड्स खुलने के बाद हम लोगों ने पूरा का पूरा डायमंड आर्मर इंचेंट कर लिया, मतलब ट्रेड कर लिया। सो उसके बाद मैंने भाई को भी उसका डायमंड आर्मर दे दिया। डायमंड आर्मर पे हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इंचेंटमेंट लगे थे, तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि हम लोग अभी तो इंचेंट नहीं कर सकते हैं। सो भाई डायमंड आर्मर पहनने के बाद हम लोग का टाइम था अब एंडर ड्रैगन को हराने का, क्योंकि एंडर ड्रैगन को विदाउट इंचेंटमेंट भी हम लोग हरा सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग को चाहिए था डायमंड के टूल्स। तो हम लोग चले गए सीधा माइनिंग करने के लिए। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक माइनिंग किए, बहुत देर तक हम लोग एक्सप्लोरेशन किए एंड फाइनली हम लोग को एक केव मिल गया। और हम लोग केव के अंदर जाते ही हम लोग को 6 डायमंड मिल गए, मतलब 6 डायमंड हम लोगों ने उसको कलेक्ट कर लिया। और जस्ट उसके बाद हम लोग थोड़े ही आगे जा रहे थे और डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए एंड जस्ट उसी केव में 5-6 ब्लॉक्स दूर और 6 डायमंड थे। मतलब यार कितना ज़्यादा रेयर होता है ऐसा, अपनी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अभी ओपी चल रही है। एंड टाइम के साथ साथ हम लोगों ने अपने घर को भी यहाँ पे अच्छा डिज़ाइन देना स्टार्ट कर दिया था, वो वाला हम लोग दिखाना भूल गए, बट आपको देख सकते हैं अपना घर कितना ज़्यादा अब ओपी लग रहा है। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अपने लिए डायमंड के टूल्स बना लिए, मैंने भाई को भी डायमंड का टूल दे दिया, मैंने भी ले लिया और अब टाइम था एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करने का। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने क्लरिक को लेवल अप करना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ पे बहुत देर तक इसको लेवल अप करने के बाद ये हमें दे रहा था एंडर आई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते में दे रहा था, तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने ले लिए। तो यहाँ पे अपने पास एमराल्ड ख़त्म हो गए थे और कुछ हम लोग को यहाँ पे एंडर आई शॉर्ट पड़ रहे थे, मतलब कुछ एंडर आई हम लोग को कम हो रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े बहुत एंडर मैन को मारा, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि आप देख सकते हो एक साथ 3-3 एंडर मैन थे। बट भाई जैसे कि आप जानते हो हम लोग माइनक्राफ्ट में बहुत बड़े नूब है, एक्चुअली हम लोग नूब है, बस इस बार हम लोग को पता नहीं कहाँ से ड्रीम का आत्मा घुस गया और हम लोग ईजिली ये दोनों ही के दोनों हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को हरा दिए, मतलब एंडर मैन को हरा दिए एंड अपने पास थे अब इनफ एंडर पर्ल्स जिसका हम लोगों ने एंडर आई बना लिया और अब टाइम था एंडर ड्रैगन को मारने का। सो हम लोग यहाँ पे फुल तैयार थे, अपना एंडर पल हम लोगों ने फेंक दिया एंड वो जो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था वहाँ पे हम लोग दौड़ के चले गए एंड बहुत देर तक ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिल गया अपना एंड सिटी। मतलब यार मैं तो इसको एंड सिटी बोलता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं इसका क्या होता है, वो स्ट्रांग होल्ड का मुझे पता है कि उसको पोर्टल को स्ट्रांग होल्ड बोलते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। सो उसके बाद हम लोगों ने बहुत डरावनी फाइटिंग की सिल्वर फिश के साथ। भाई सिल्वर फिश बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हंस रहे हो क्या भाई, आप खुद एक बार लड़के देखना, सिल्वर फिश से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो भाई हम लोग को मतलब डायरेक्टली मिल गया था अपना स्ट्रांग होल्ड, मतलब वो जो पोर्टल होता है वो हम लोग को डायरेक्टली मिल गया था। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने उसको एक्टिवेट कर दिया एंड एक्टिवेट करने के बाद हम लोग चले गए लाइब्रेरी में यहाँ पे थोड़े बहुत लूट करने के लिए, क्योंकि अपने पास यहाँ पे बुक शेल्फ्स नहीं है यार अपने वर्ल्ड में, तो लाइब्रेरी से हम लोग ईजिली ले सकते हैं। सो हम लोग जल्दी से जल्दी चले गए लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए अपने लिए कुछ बुक्स एंड इंचेंटेड सामान, और उसके बाद हम लोग जाने वाले थे अपने स्ट्रांग होल्ड में। एंड मैं सही बता रहा हूँ, अपना जो ये वाला लाइब्रेरी था ये इतना बड़ा था कि हम लोग 10-20 वर्ल्ड का यहाँ पे पूरा का पूरा मैक्स लेवल इंचेंटमेंट टेबल बना सकते हैं, मतलब इतने सारे बुक्स थे यार, क्या करते क्या ये लोग। एंड उसके साथ ही साथ हम लोग को थोड़े बहुत चेस्ट भी मिल गए एंड चेस्ट में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बुक्स भी थे, तो उसको भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। और एक बुक में तो यहाँ पे फ्लेम भी था जो कि हम लोग को बो में काम आने वाला है, तो वो भी हम लोगों ने ले लिया। सो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लाइब्रेरी से थोड़े बहुत बुक्स भी कलेक्ट कर लिए क्योंकि भाई अपने वर्ल्ड में बुक्स नहीं है जैसे कि आपको पता है। एंड उसके बाद हम लोग चले गए अपने पोर्टल में।
सो पोर्टल से होते हुए हम लोग पहुंच गए अपने एंड डायमेंशन में। एंड एंड डायमेंशन में पहुंचने के बाद हम लोग को एंड्रू रैगन का हेल्थ बार दिख रहा था। इसका मतलब हमारा और एंड्रू रैगन का फाइट हो चुका था चालू। सो यहाँ पे भाई ट्रेड करके लाया था बोज एंड एरोज अपने फ्लेचर के साथ, तो वो तो मैंने कलेक्ट कर लिए भाई के पास। एंड भाई ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बो एंड एरो, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि बो और एरो के बिना ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं इनको फोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट भाई अपने पास बोज एंड एरोज थे तो उससे हम लोगों ने ये क्रिस्टल्स को ईजिली फोड़ दिया। एंड उसके बाद एंड्रो ड्रैगन आ गया नीचे, क्योंकि उसको आना ही था, उसको पता चल गया था कि अब उसका टाइम हो चुका है ख़त्म और अब उसको मरना है, तो हम लोगों ने ईजिली उसको मार दिया। एंड लास्ट दो चार बोज के हिट से वो हो गया था पूरा ख़त्म। मतलब यार एंडर ड्रैगन को मार के एक अलग सा चैन आता है जो कि हम लोग को अब आ रहा था। और भाई मुझे मतलब बार बार एंडर ड्रैगन को मारने का मन करता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसको मारने के बाद हम लोगों ने सारे इसके एक्सपीज को कलेक्ट कर लिया, और भाई ये एक्सपीज हम लोग को फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले अपने आर्मर को इंचेंट करने के लिए। एंड यहाँ पे सारे एक्सपीज को कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने एंडर ड्रैगन एग को भी कलेक्ट कर लिया, मतलब फ्यूचर में फिर से कभी इसको मारने का मन किया तो यही हम लोग का एक जरिया है। एंड भाई इस बार हम लोग को एंड सिटी जाने का मन कर रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इलाइट्रा की याद आ रही थी क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस से इलाइट्रा को उड़ाया नहीं था, तो हम लोग चले गए अपने एंड सिटी के लिए। और उसके बाद हम लोग एंड सिटी पहुंच गए, बट जो हम लोग का एंड सिटी विद सिप रहता है उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम लोग निकल गए उसके सफ़र में। सो जैसे कि आपको पता है सफ़र में बहुत सारे मुश्किलें आई, बहुत बार एंडरमैन ने हम लोगों को मारने की कोशिश की, बट हम लोग यहाँ पे ठहरे माइनक्राफ्ट के प्रो, तो उनको हम लोगों ने इजीली मार दिया। एंड फाइनली पहुँच गए एंड सिटी में। सो यहाँ पे एंड सिटी में पहुँचने के बाद हम लोगों ने सल्कर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। एंड बहुत सारे चेस्ट थे तो उनको भी हम लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। और भाई एक चेस्ट से तो हम लोग को बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आर्मर मिल गया था, तो ये तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे नीचे के सारे फ्लोर्स हम लोगों ने लूट लिए। एंड फाइनली आ गए थे हम लोग एंड शिप में, और भाई एंड शिप में इतनी बढ़िया लूट थी चेस्ट में, मतलब ये सल्कर को हम लोगों ने जल्दी से जल्दी मारा। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एंड शिप का लूट चेक किया, और भाई इसमें एक पिकैक्स कितनी ज़्यादा ओपी थी, मतलब यार पिकैक्स में हम लोग का एफिशिएंसी 5 एंड मेंडिंग लगा हुआ था, बस इसमें अनब्रेकिंग 3 लगाने से ये एक ओपी पिकैक्स बन जाएगा। एंड बाकी भी यहाँ पे थोड़े बहुत आर्मर और थोड़े बहुत आयरन भी थे, तो उसको भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। एंड देन मेन सामान जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे जो कि था इलाइट्रा, उसको भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। उसके साथ ही साथ हम लोग को एडवांसमेंट भी मिल गई, बट हमें 2 इलाइट्रा चाहिए थे, तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया दूसरा कलेक्ट करने में। एंड दूसरा भी अपने पास कलेक्ट हो गया, तो उसके बाद हम लोग चले गए उड़ने के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हो भाई को थोड़ी बहुत ज़्यादा ही जल्दी थी, तो वो तो पहले ही उड़ गया। एंड देन मैं भी अपने उड़ान के सफ़र में चला गया। तो भाई अगर तो आप हम लोगों को बहुत ज़्यादा पहले से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा हम लोग को उड़ना कितना पसंद है, तो ये वाला पार्ट आप स्किप बिल्कुल मत करो, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। चलो मैं चुप हो जाता हूँ, आप देखो। सो थैंक यू भाई देखने के लिए। और हम लोग का यहाँ पे उड़ान तो ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद हम लोग चले गए अपने घर। और घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने सारे सामान को रख दिया, और ऐसे ही करके हम लोगों के 100 डेज हो चुके थे कंप्लीट। मतलब यार ये वाले 100 डेज सबसे डिफ़िकल्ट 100 डेज थे जो कि सर्वाइव करने पड़े हम लोग को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 2 के लिए 3000 लाइक कर दो, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।